भी उठे हैं सर। अभी अभी उठे वालेकुम सर। तुम क्या बाथरूम में बैठे हो क्या? अच्छा भाई, हम लोग मोमेंटम इन टू डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने, जो याद है हमारी फिजिकल क्लास थी, उसमें हमने केस देखा था एक्सप्लोजन वाला, ठीक है जी, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लोड करता है दो पीसेस, तीन पीसेस के अंदर, और उसमें से दो पीस जो है वो टू डायमेंशंस के अंदर जाते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन टुडे, ठीक है। तो आप लोग जो हेडिंग लगाएंगे, दैट इज एक्सप्लोजन इन टू डायमेंशंस, हेडिंग लगेगी आपके पास, पुट डाउन द हेडिंग एक्सप्लोजन इन टू डायमेंशंस। अच्छा जी, 2D एक्सप्लोजन क्या होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। एक बड़ी कॉमन सी बात यह है कि जब कोई सिस्टम एक्सप्लोड होता है, बिफोर एक्सप्लोजन वो स्टेशनरी होता है, तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होने की वजह से जीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। विच मीन्स अगर हम सबके मोमेंटम को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से रिजल्टेंट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, जीरो, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली May June 2018 पेपर 22। मैं इसका ईयर आपको दिखा देता हूँ। दिस इज May June 2018 पेपर 22, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड दिस इज एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सप्लोजन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस के अंदर हमें एक्सप्लोजन को स्टडी करना है कि एक्सप्लोजन किस तरीके से होती है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लोजन के केस में थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, इसको नोट कीजिएगा। चाहे एक्सप्लोजन वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो, दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, नोट कीजिए। इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन the initial momentum of the system is zero. In the case of explosion, the initial momentum of the system is zero if there is no external force, the final momentum will also be zero, ठीक है जी। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास एक्सप्लोजन के केस में नॉर्मली जीरो होता है, तो फाइनल भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हु विल टेल मी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी? What is law of conservation of momentum? The momentum of a system is always conserved when there is no external force. Very good, shabash. System ka momentum hamesha conserve hota hai, provided that there is no external force. Theek hai ji, agar system mein kisi kisam ka koi external force na ho, to system ka momentum hamesha conserve hoga. Theek hai, very good. So this is the law of conservation of momentum. Achha ji, ab hum question ki taraf chalte hain. The question, it says, a stationary firework explode into three different fragments. ठीक है, एक stationary firework जो explode हुआ है, stationary था, इसका मतलब है कि उसका initial momentum क्या था? Zero. Momentum of system is zero. तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का जीरो था, विच मींस द फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो। अच्छा, ये किस तरीके से होगा, अब हम देखते हैं। अ स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोड इनटू थ्री डिफरेंट फ्रैगमेंट्स दैट मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन उन्होंने बनाया हुआ है ए बी, उसकी रिस्पेक्ट से ये तीनों पार्टिकल्स जो है ये मूव हुए हैं। पार्टिकल आप देख सकते हैं 3m वाला बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड गया है,
जबकि 2m और 1.5m वाला जो है ये आपके पास डाउनवर्ड्स गए हैं लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर भी गए। द फ्रेगमेंट ऑफ मास 3m हैज अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर गया है। द फ्रेगमेंट ऑफ मास 2m हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ थीटा ऑफ लाइन AB, लाइन AB से ये थीटा एंगल पे गया है। जबकि फ्रेगमेंट 1.5m हैज अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा फ्रॉम लाइन AB, यानी दोनों का एंगल थीटा सेम है, दोनों जिस एंगल पे AB लाइन से गए हैं 2m और 1.5m वो सेम थीटा के एंगल के ऊपर गए, ठीक है। तो व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिटरमाइन थीटा। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है हमें कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इनिशियल मोमेंटम इसका एक्स में और वाई में दोनों ही में क्या है, जीरो है, क्योंकि ये फ्रैगमेंट था स्टेशनरी, ठीक है जी। तो फाइनल भी, अच्छा फाइनल बाय द वे आपके पास एक्स डायरेक्शन का अलग निकलेगा और वाई डायरेक्शन का आपके पास अलग निकलेगा, और ये फाइनल मोमेंटम भी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इनिशियली एक्स भी जीरो था और वाई भी जीरो था, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि 7m, ये 3m, सॉरी 3m वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड गया है, ठीक है, यानी इस 3m वाले के पास तो x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, 3m वाले के पास नो मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ठीक है। No momentum in x direction, ठीक है जी, इसके पास किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं है x direction में। हाँ, इसके बाद y direction में यकीनन मोमेंटम होगा, ठीक है जी, जी। तो y डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम क्या होगा जी, बताइए जरा, ये मुझे बताएगा व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। 21, बिल्कुल सही है, y डायरेक्शन में 21m, जी 21m या 21 भी लिख सकते हैं, m को आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स m की टर्म में हैं, ठीक है। तो 21 हमारे पास इसका मोमेंटम है y डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आपके पास प्लस में होगा, जबकि आपके पास 2m और 1.5m वाले के पास भी मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा क्योंकि इनका वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड्स होगा, है ना जी। अच्छा जी, अच्छा जी, 2m वाले के लिए इसका मास तो चले 2 है या 2m है, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, तो बाय द वे दिस वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 6 साइन थीटा, राइट, सही है ना भाई, वर्टिकल वेलोसिटी 6 साइन थीटा होगी और हॉरिजॉन्टल क्या होगी, 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को इस्तेमाल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 साइन थीटा, मैंने माइनस का साइन इसलिए बनाया है क्योंकि ये कैसा है, डाउनवर्ड्स है ना, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और बाय द वे दूसरे की भी वर्टिकल वेलोसिटी जो है, जो कि 8 साइन थीटा है, वो भी बाय द वे माइनस में होगी, ठीक है, इसका मास कितना है, 1.5m, तो मैं डायरेक्ट ही साइन लगा देता हूँ इसको, माइनस 1.5 इंटू 8 इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। और ये सबका सब किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू किसके होगा, जीरो के, ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा मोमेंटम आपके पास फाइनल मोमेंटम है, ठीक है ना, और इनिशियल वाई वाला कितना है, जीरो, तो इनिशियल और फाइनल वाई में बराबर होना चाहिए, यानी हमने इसको जीरो के इक्वेट कर दिया।
अच्छा वी कैन सी दैट 2 6 12 तो ये हो जाएगा 21 - 12 साइन थीटा, ठीक है, और 1.5 × 8 ये कितना हो जाएगा, ये भी बाय द वे 12 हो जाएगा, -12 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। -12 - 12 क्या हो जाएगा, -24, तो 21 - 24 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को हम उधर ले जाते हैं, लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर। 21 इज इक्वल टू 24 साइन थीटा, सो व्हाट वी विल डू नाउ, 24 को उधर ले जाइए और इसका साइन इनवर्स ले लीजिए, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 24 साइन इनवर्स के बराबर 61.04। तो एंगल इज 61 लिख लीजिए बस, 61 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। ये समझ में आया सबको, मुस्तकीम कहाँ है, मुस्तकीम मुस्तकीम आया ही नहीं है, मुस्तकीम है, सो रहा है। अच्छा जी नूर फातिमा बेटा, आपने मोमेंटम का पूरा लेक्चर मिस किया हुआ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। खैर नो वरीज, अभी मैं अपना जो एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा, ठीक है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल जो भी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें मोमेंटम के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। जी बच्चों हो गया ये कॉपी या कॉपी कर रहे हैं, एक दफा साफ सुथरे तरीके से ना इसको दोबारा से करिए पूरे को प्लीज, ठीक है। सर हमने माइनस क्यों किया है, माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि एक की वेलोसिटी अपवर्ड है, 7 वाले की अप है, ठीक है, तो अप में वाई हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और दोनों की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो हमेशा वाई को नीचे वाले को कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव में लिया जाता है, इसीलिए हमने दोनों को माइनस में रखा है ना, ठीक है। बिल्कुल सफाई सुथराई से एक दफा इसको क्लीन करके दोबारा से करो सवाल को, ठीक है। एक बार बता दे कि जीरो क्यों होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मीरान जीरो के इक्वल हमने रखा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास इनिशियली ये स्क्वायर वर्क जो था स्टेशनरी था, तो स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि ना ही ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा था ना ही ये वाई डायरेक्शन में चल रहा था, तो दोनों ही डायरेक्शन में इसका मोमेंटम जीरो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सर अगर ये हम फाइनल में एक्स डायरेक्शन से निकाले फिर भी आंसर वही आएगा ना, सेम थीटा का, थीटा एक्स डायरेक्शन से निकाले, सर आपने अभी हम लोग फाइनल वाई डायरेक्शन से निकाल लिया ना ये सब, अगर एक्स डायरेक्शन से भी निकालो तो आंसर वही आएगा, हाँ एक्स डायरेक्शन से भी वही आएगा आंसर, लेकिन फिर ये अब जो 7 3m वाली है वो नहीं लिखेंगे हम इसमें फिर, हाँ एक्स डायरेक्शन में उसका नहीं है ना, करता हूँ इसको, चलो एक्स डायरेक्शन से भी करके दिखाता हूँ, मेरा नहीं ख्याल एक्स से ये होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये एक्स डायरेक्शन से होगा नहीं, कैसे पता चलेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब दोनों साइडें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आंसर जीरो जीरो ना जीरो आएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, करके देख लो बेशक, हाँ सर ये हो जाएगा आपके पास 12 cos θ एक का होगा और दूसरे का भी होगा -12 cos θ, तो वो 12 cos θ - 12 cos θ जीरो हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। रेफरेंस बेटा इसका है नूर मई जून 2018 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2
हामिद साहब, हामिद है क्लास में? अच्छा, हामिद भी गायब है आज। कितने बच्चे गायब हैं आज? 33 स्टूडेंट्स हैं। 40 प्लस 50 की स्ट्रेंथ है बल्कि अब तो हमारी क्लास की। सर 21 आपने मोमेंट निकाला है 7 और 3 से। जी बेटे 21। जी बेटा आपने मोमेंट निकाला था। मोमेंटम मोमेंटम। ओके मोमेंटम 7 × 3 किया था ना। वर्टिकल वेलोसिटी 7 है और इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। कॉपी हो गया ये बच्चों? जी सर हो गया। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट 1.5m। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है 2m और 1.5m की काइनेटिक एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि एक्चुअली में सिंपली उसकी स्पीड्स का रेशियो कैलकुलेट करो। देखो स्पीड्स और मास का, सॉरी। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m ke ऑफ 2m अपॉन ke ऑफ 1.5m। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ किसके बराबर होती है? 1/2 mv² के। ठीक है जी, तो हम 2m के लिए जब रखेंगे 1/2 × v² बाय द वे इसका v कितना है 6 और उसका स्क्वायर हो जाएगा ये रहा। इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2 1.5 जो कि इसका मास है और × 8² 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, यानी सिंपली आपने क्या करना है 6² विच इज 36 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है भाई? 72 और 8 स्क्वायर क्या होगा? 64 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कीजिए 96। तो 72/96 ये आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए तो आपको रेशियो की वैल्यू 3/4 का रेशियो। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 2m वाले की कितनी है? अगर 3 है तो इसकी क्या है? 4 है। 3:4 का रेशियो है। है भाई? जी सर। बस दैट्स इट। छापे इसको। सर फिर से सवाल दिखा देंगे? क्या चीज बेटे? सवाल फिर से दिखा देंगे? ये सही। ठीक है, यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं क्योंकि कैलकुलेशन तो यह हो गई है ना।
मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यू के सोल्यूशन भेजे थे, आई होप उससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ा होगा, कोई फायदा हुआ होगा, है? जी हुआ। ठीक है। आई बिलीव जिन एमसीक्यूज में आप लोगों को इश्यूज होंगे वो एटलीस्ट मैंने कोशिश ये की थी कि सारे मुश्किल वाले कर दूं, एटलीस्ट आसान वाले फिर भी मैंने छोड़ दिए थे, और आई थिंक मैं खाले जो जो इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। स्टिल इफ एनीबडी इज हैविंग एनी इशू तो वो मुझसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, सैटरडे को भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। डायनामेटिक्स का एक एमसीक्यू था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो पूछ लेना, तो मुझसे लैब वाली क्लास में पूछ लेना। शाबाश कुरत, वेरी गुड। अच्छा जो बेटा कुरत आपको नई क्वेश्चन समझ में आ रहे ना वो मुझसे इंडिविजुअली में आप लोग सैटरडे में या जब भी अब आपकी फिजिकल क्लास होगी उसमें आप लोग पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है। शाबाश अहमद, गुड। अच्छा डायनेमिक्स के क्वेश्चन भी आप लोग स्टार्ट कर दें। डायनेमिक्स के भी आप लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसके भी वर्किंग सॉल्यूशंस भेज दूंगा, तो आप लोगों को इसमें भी जो है इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी के तो खैर आपको सॉल्यूशन उसकी मार्किंग्स के में मिल ही जाते हैं, लेकिन ये कि एमसीक्यू का नॉर्मली लोगों को इशू होता है, इसलिए मैंने फिर एमसीक्यू के सॉल्यूशंस कर लिए थे पहले ही ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, तो ये हमारा मोमेंटम इन टू डायमेंशंस यहाँ पे ख़त्म होता है, बल्कि ये हमारा डायनेमिक्स का चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं पास्ट पेपर्स के। वी नीड टू डिस्कस द मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट पेपर। ठीक है। और हमने कुछ ग्राफ्स वगैरह को भी डिस्कस करना है इसके अंदर के ग्राफ्स वगैरह आपके पास मोमेंटम के किस तरीके से होते हैं। ठीक है। क्या हमने मोमेंटम के ग्राफ्स अभी तक डिस्कस किए थे? है भाई सर? नहीं किए थे। अच्छा। मोमेंटम के ग्राफ मैंने डिस्कस किए थे। अच्छा देखिए, हमारे पास एक बॉल है, दिस इज मोमेंटम टाइम ग्राफ्स। हमारे पास एक बॉल है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है। ठीक है। ए से लेके पॉइंट बी तक वो चलती है, लेट से 3 सेकंड्स तक। किस वेलोसिटी से? 6 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मास कितना है हमारे पास? 2 किलोग्राम्स। तो यकीनन इसका मोमेंटम कितना होगा? 12 kg ms-1। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस से चल रही है तो इसका मतलब है बी के ऊपर पहुंचेगी तब भी इसका मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा? 12 kg ms-1 ही होगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहुंची है तो यहाँ पे हमने इस पे क्या लगाई है? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। ठीक है। हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई और लेट से हमने ये फोर्स इस पे बी पे लगानी शुरू की और सी पॉइंट तक हम ये फोर्स इसके ऊपर लगाते रहे। ठीक है। यानी सी पॉइंट पे भी फोर्स लग रही थी और यहाँ पे जाके हमने फोर्स को विड्रॉ कर लिया। फोर्स विड्रॉ, फोर्स विड्रॉन हो गई। और ए से बी तक जो टाइम लगा लेट से वो हमारे पास कितना लगा? 5 सेकंड्स का। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या इस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया होगा या डिक्रीज किया होगा? है भाई? इंक्रीज किया वेलोसिटी को। लेट से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई? 9 मीटर्स पर सेकंड हो गई। मास तो वही है 2 किलोग्राम्स। अब बताइए यहाँ इसका मोमेंटम कितना हो गया होगा? 18 kg ms-1। अच्छा जी, यहाँ पे बात फिर हमने देखा कि सी से लेके ये बॉल डी तक गई और कोई फोर्स नहीं लगी तो इसका मोमेंटम यहाँ पे भी कितना रहा? 18 kg ms-1 का मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी कहानी हमें ग्राफिकल फॉर्म में अब स्केच करनी है कि इसका हमें सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करें और इसके बिल्कुल साथ हम इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ जो है वो स्केच करें। ओके जी, तो लेट्स स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट एंड देन वी विल स्केच द मोमेंटम टाइम ग्राफ। ये बताइए ए से बी तक कितना टाइम लगा? लेट्स से 0 से लेके 3 सेकंड्स तक, और उस दौरान में इस बॉल की कितनी वेलोसिटी थी? 6 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट थी।
तो हम लेट से 6 meters per second पे एक लाइन ऐसे बना देंगे। वेलोसिटी किस में चल रही है, मीटर्स पर सेकंड में, और टाइम किस में है, सेकंड्स के। इसके बाद जब इस पे फोर्स लगी तो फोर्स ने यकीनन इस पे क्या क्रिएट की होगी, एक्सेलरेशन, और सी पॉइंट तक यानी 5 सेकंड तक, ठीक है, यानी 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही, और बढ़ के कितनी हो गई बच्चों हमारे पास 6 से 9 meters per second। इसके बाद C से लेके D तक ये velocity दोबारा क्या रही, constant रही। तो this is AB, this is BC, and यहाँ से आगे क्या होगा CD। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका velocity time graph। constant रही हमारी acceleration। हाँ, क्योंकि force हमने constant लगाई है, तो इसका मतलब है कि हमारी acceleration भी क्या रहेगी, constant रहेगी, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेल। इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालो बेटा यहाँ पे, तो ये ग्रेडियंट आपको क्या देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन। और ऑब्वियसली ए बी या सी डी के ऊपर आपके पास किसी किस्म का कोई ग्रेडियंट नहीं आपको मिलेगा, जीरो एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वहां कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं इसका मोमेंटम, जी बोले सर, हम इंक्रीज में ऐसी स्ट्रेट लाइन कब बनाते हैं और वो कर्व वाला इंक्रीज कब बनाते हैं? कर्व वाला इंक्रीज कब करते हैं, जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, तो फिर कर्व होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो भी ऊपर की तरफ जाती हुई या फिर नीचे की तरफ आती हुई, डिपेंड करता है कि एयर रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब कर्व में। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हम नॉर्मली सर्कमस्टेंसेस में एयर रेजिस्टेंस को क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, नेग्लिजिबल ले रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोमेंटम टाइम ग्राफ। अच्छा जी, 0 से 3 सेकंड तक ये बॉल कितने मोमेंटम पे चल रही थी, ये बॉल आपके पास चल रही थी कितने मोमेंटम पे, 12 kg ms-1। यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है kg ms-1। ओके, मैं इसको सिंपली बस 12 लिख लेता हूँ, क्योंकि यूनिट मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, और टाइम ऑब्वियसली सेकंड्स में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 से लेके 8 सेकंड्स तक, यानी 5 सेकंड मजीद, हमने क्या देखा कि इसका मोमेंटम 12 से बढ़ा, और बढ़ के कितना पहुंच गया जी, 18 पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद ये अपने पास 18 के मोमेंटम से सी से लेके डी तक यानी मजीद आगे चलती रही। लेबलिंग कर दो इस ग्राफ की, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब ए टू बी देख सकते हैं कि ग्रेडियंट जीरो है, बी टू सी कुछ ग्रेडियंट है, और सी टू डी अगेन ग्रेडियंट जीरो है। सवाल ये उठता है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता क्या है, तो हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स किसके बराबर होती है, डेल्टा पी अपॉन टी के, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विच मींस कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो सिंपली किसके बराबर है, इसके बराबर है फोर्स के बराबर, फोर्स, ठीक है जी। तो नोट करके रखिएगा अपने पास, द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज, द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज फोर्स इक्वल टू फोर्स, ठीक है। रिपीट करूं, आयशा कुछ कह रही थी तुम? अच्छा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे और आते जा रहे हैं। हामिद साहब आप लेट आए हैं बहुत। नहीं सर, आगे तो 5-10 मिनट लेट हो गया था वो मैं। और मुस्तकीम साहब आए? तो अगर हम मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें, तो वो ग्रेडियंट क्या होगा, फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सर आपने जी इक्वल टू जीरो क्या लिखा है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो, ए टू बी ग्रेडियंट जीरो है ना, इसका मतलब फोर्स कितनी है, जीरो है, ठीक है।
जहां जहां ग्रेडियंट जीरो होगा वहां वहां उसामा फोर्स क्या होगी, जीरो होगी हमेशा। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम टाइम ग्राफ में। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सा एमसीक्यू है, चलूं आगे चलूं मैं जी? अच्छा, एक बहुत कॉमन सा एमसीक्यू आपको पेपर में मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलो चलो कॉपी कर। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, ठहरो जब तक आप कॉपी करें। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, हो गया भाई कॉपी बच्चे? जी जी हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m, 50 क्वेश्चन देखिएगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u, हिट्स अ वर्टिकल वॉल एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी, इट देन रिबाउंड्स with the rebound horizontally with the same speed, what is the change in momentum? ठीक है, मैं आपके सामने इसको स्केच करता हूँ, इसकी डायग्राम को। एक वॉल है, एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से उसका मास है m, u की वेलोसिटी से जाके ये टकराया, टकराने के बाद रिबाउंड हुआ बिल्कुल सेम वेलोसिटी u के साथ, मास भी सेम रहा, तो बताइए कि इसके मोमेंटम में चेंज चेंज डेल्टा पी कितना होगा? जीरो जीरो। तो इसका आंसर है डी, माइनस टू एम वी। द रीजन इज दैट कि जब ये राइट साइड पे जा रहा था तो इसकी स्पीड कैसी मानी जाएगी? पॉजिटिव। और जब ये लेफ्ट पे आ रहा था तो इसकी स्पीड कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। यानी इसमें से हम फाइनल मोमेंटम में से चेंज निकालने के लिए इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, पी एफ माइनस पी आई। फाइनल मोमेंटम है माइनस एम यू, क्योंकि वेलोसिटी इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर है। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम आपके पास बराबर है किसके? माइनस तो साइन इसका बीच में, ये फॉर्मूले वाला डेस नीचे उतरा, और इनिशियल मोमेंटम है एम यू। तो माइनस एम यू क्या आंसर बनेगा? माइनस टू एम यू, मतलब माइनस का साइन, ये माइनस का साइन एक्चुअली में शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को बाय वॉल। वॉल ने किस डायरेक्शन पे इस पे यकीनन फोर्स लगाई होगी? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लगाई होगी, जब भी ये बॉल जो है या मॉलिक्यूल जो है ये रिबाउंड हुआ है और सेम वेलोसिटी के साथ रिबाउंड हुआ है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। कैसे इलास्टिक कोलिजन है भाई? स्पीड चेंज है सर। हाँ, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी थी इसकी? एक वॉल तो ऑब्वियसली स्टेशनरी थी, तो किस स्पीड से इसने अप्रोच किया? यू से। और फाइनल जो सेपरेट हुआ वॉल से टकराने से, वो भी कितनी स्पीड थी? यू। तो आपके पास ये कोलिजन क्या रहेगी? दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा। सर जीरो कब होगा? क्या चीज सर? जीरो कब होगा? जीरो कब हो सकता है आंसर? चेंज इन मोमेंटम जीरो जीरो नहीं हो सकता इस केस में, किसी भी केस में नहीं हो सकता। इवन अगर ये बॉल जाके उससे चिपक भी जाती
तब भी आपके पास चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा। क्यों सर ऐसा क्यों है? मतलब वो जीरो जीरो क्यों नहीं हो सकती? मोमेंटम चेंज जीरो कैसे होगा? बॉल आपके पास जब आ रही होगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो आ रही होगी ना, तो उसकी बॉल की जो वेलोसिटी है वो टकराने के बाद जीरो होगी, लेकिन इनिशियल मोमेंटम लेट से उसका फाइव था, तो फाइव माइनस जीरो क्या आंसर आएगा? फाइव आएगा ना। तो मोमेंटम कंजर्व होता है तो होता है ना जीरो। हाँ मोमेंटम कंजर्व होता है तो भाई तो इसमें कंजर्व हुआ है ना। इसमें कंजर्व अगर आप बॉल और वॉल दोनों को एक सिस्टम कंसिडर कर लो तो कंजर्व होगा। यहाँ तो देखो हम सिर्फ बॉल की बात कर रहे हैं ना, बॉल मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे थोड़ी लगता है, वो किस पे लगता है? सिस्टम पे लगता है। सिस्टम में कम से कम दो मेंबर होने चाहिए, बॉल अकेली थोड़ी सिस्टम बनाएगी है भाई। सर जब हम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को हम जब ऐड करते हैं तो वो सिर्फ 0 2d में आती है वो? नहीं लीनियर में भी आती है, लेकिन वो सिस्टम का होना चाहिए बेटा। सिस्टम होगा, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल चेंज इन मोमेंटम जीरो होना चाहिए उसमें। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें? हेलो आवाज आ रही है भाई मेरी? जी आ रही है। अच्छा जी, अब इसका अगर हमें मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना हो तो इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे? तो बाय द वे ये बॉल जा रही थी mu से वापस आई है माइनस mu से, इसका अगर हमें ग्राफ स्केच करें तो वो कैसे स्केच होगा? तो बाय द वे इसके लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज पी और टी। ये बॉल किस मोमेंटम से जा रही थी? mu से पॉजिटिव में, ठीक है ये जा रही थी, और एकदम से इसका मोमेंटम टकरा के कितना हो गया माइनस mu। ठीक है जी, इसका मतलब है यहां पे कोलिजन स्टार्ट हुई है ना, और यहाँ पे कोलिजन क्या हुई होगी? नीचे एंड हो गई होगी, बिल्कुल कोलिजन एंड हुई, और इस दौरान में यकीनन बॉल से इस पे क्या लगी होगी फोर्स होगी। अब बाय द वे बॉल थी, जा रही थी, बॉल ने उस पे फोर्स लगाया। अगर आप खाली खाली बॉल को सम कंसिडर करें तो खाली बॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक बॉल से यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो जब बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या बॉल का मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया है। हाँ अगर आप वॉल को भी सिस्टम का हिस्सा मान लें तो फिर आपके पास हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या हुआ होगा? यकीनन कंजर्व हुआ होगा। मैं फिर से समझा सकता हूँ। देखो अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, इंडिविजुअल बॉल की, अकेली बॉल की, तो अकेली बॉल के ऊपर वॉल से फोर्स लगा है। जब अकेली बॉल पे वॉल से फोर्स लगा है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स लगने से तो उसका मोमेंटम यकीनन क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा, क्योंकि मोमेंटम कब चेंज होता है? जब फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर हम लोग बॉल को और वॉल को दोनों को एक सिस्टम कंसिडर करें, क्या बॉल के ऊपर जितना फोर्स लगा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो वॉल के ऊपर भी लगाया होगा ना बॉल ने, न्यूटन के थर्ड लॉ से, तो यकीनन कुछ ना कुछ वॉल का भी मोमेंटम क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा, तो तब हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। समझ रहे बात? नॉर्मली तो बॉल की स्पीड कम होनी चाहिए थी ना। इलास्टिक कोलिजन में जो है वो कम नहीं होती, और नॉर्मल केसेस के अंदर यकीनन कम होती है। ठीक है भाई, ग्राफ बना लिया ये? ग्राफ बन गया बच्चों? जी जी। चल यहाँ रोकते हैं हम, 11 भी बज गए और मैं दूसरी भी क्लास होगी। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।